हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास सिक्स का चैप्टर वन विच इज नोइंग आर नंबर्स, उसके ट्राई दिस पेज नंबर 13 पे जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रमन की शॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके प्राइस गिवन है, और लास्ट ईयर उसकी कितनी सेल यानी कि कितना सामान उसका बिका है। सो एप्पल्स जो हैं वो ₹40 पर केजी, 1 किलो ₹40 के हैं, और ऑरेंजेस 1 किलो ₹30 के हैं, और कॉम्स जो है वो 1 कॉम ₹3 का है, टूथब्रश जो है वो 1 टूथब्रश ₹10 का है, पेंसिल एक रुपये की है, एट नोटबुक ₹6 की है, एक सोप केक जो है वो ₹8 का है, और सेल्स ऑफ लास्ट ईयर का मतलब है वो लास्ट ईयर कितने बिके हैं। सो एप्पल कितने बिके हैं, 2,457 kg, ऑरेंजेस 3,004 kg, कॉम्स 22,760 kg, टूथब्रशेस 25,367 टूथब्रशेस, पेंसिल्स 38,530 पेंसिल्स, नोटबुक्स 40,002 नोटबुक्स, सोप केप्स 20,005 सोप केप्स। अब इसका फर्स्ट पार्ट है टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस सोल्ड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर एप्पल्स और ऑरेंजेस टोटल कितने बिके हैं। सो एप्पल्स कितने बिके हैं, एप्पल्स सोल्ड लास्ट ईयर इज इक्वल टू 2,457 kg, ऑरेंजेस सोल्ड लास्ट ईयर आपको इसी टेबल में से देख के सब कुछ करना है 3,004 kg। तो अब क्या करना है, टोटल देखने के लिए क्या करना होगा, हमें इन दोनों के वेट को ऐड करना होगा। ऐड के लिए 2,457 को ऐड करेंगे 3,004 से। अब ऐड करते हैं 2,457 3,004, आंसर आ जाएगा 5,461। टोटल कितने हैं, 5,461 kg जो हैं वो टोटल एप्पल्स एंड ऑरेंजेस सोल्ड लास्ट ईयर इज इक्वल टू 5,461 kg। सो बी पार्ट है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का मतलब है कि फाइंड करना है, पता लगाना है कि रमन को इतने एप्पल्स बेचने में कितने रुपए मिले। सो एक एप्पल पर केजी का मतलब है 1 किलो एप्पल बेचने के लिए उसको ₹40 मिलते हैं, और उसने टोटल 2,457 kg एप्पल्स खरीद बेचे हैं, तो कितने रुपए मिलेंगे। सी, जैसे कि अगर मैं आपको एक बात एक एग्जांपल देती हूँ, आपने एक पेन खरीदा जो पेन 1 रुपए का है, अगर आपने एक पेन 1 रुपए का खरीदा है तो 5 पेन कितने रुपए के खरीदेंगे, 5 रुपए के। उसके लिए आपने क्या किया, आप मल्टीप्लाई किसको, प्राइस को उस चीज़ से जितनी आपने चीज़ ली है। तो अगर 1 किलो ₹40 के हैं तो 2,457 किलो कितने में लिए होंगे, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई किससे, 40 से, क्योंकि उसने 1 किलो के अगर ₹40 ले रहा है तो इतने किलो के कितने लेगा, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2,457 को मल्टीप्लाई करते हैं 40 से, 4, 7 जा 28, 4, 5 जा 20, 22, 4, 4 जा 16, 17, 18, 4, 2 जा 8, 9, 9,82,80। तो उसने कितने रुपीस लिए, 9,82,80, कोमा लगा देते हैं लास्ट के 3 डिजिट के बाद, 98,280 रुपीस उसने एप्पल बेचने में उसको मिले हैं। सो नाउ गाइस, सी पार्ट में है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। अगर उसने एप्पल और ऑरेंजेस दोनों ही इतने इतने बेचे हैं तो उसने टोटल कितने पैसे कमाए। हम सबसे पहले यहाँ एप्पल का निकालेंगे, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में इससे पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं, कि 1 किलो एप्पल उसने बेचा है ₹40 का, तो 2,457 किलो एप्पल कितने में बेचेगा। क्या किया था हमने, 2,457 को 40 से मल्टीप्लाई, 5, 7 जा 28, 5, 2 जा 10, 11, 12, 5, 4 जा 16, 17, 18, 5, 2 जा 8, 9, 5, 7 जा 4, 7 जा 28, 4, 5 जा 20, 22, 4, 4 जा 16, 17, 18, 4, 2 जा 8, 9, 0, यानी कि उसने 98,280 रुपीज़ एप्पल से कमाए। अब बात आती है ऑरेंज की, ऑरेंज में भी सेम ही चीज़ होगी,
30 रुपीज़ पर केजी, यानी कि 1 किलो उसने 30 रुपीज़ का बेचा है, तो 3004 किलो कितने रुपीज़ में बेचेगा, क्या करोगे, इसको भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3004 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से, 3 4 12, ये उसने बेचे 90,120 रुपीज़ में। अब क्वेश्चन है टुगेदर, साथ में दोनों से मिला के उसने कितने रुपए कमाए, क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, 98280 को प्लस कर दोगे 90120 से, तो ऐड किया 3 ज़ीरोस के बाद, फिर उसके 3 डिजिट के बाद और 2 डिजिट के बाद, तो उसने टोटल कितने रुपए कमाए, 1,88,440 बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इन द लास्ट ईयर। सो लेट्स डू द फोर्थ पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट बहुत ही लेंदी है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें ये बोला गया है कि हर एक आइटम का हमें ये निकालना है कि उसने टोटल कितने कितने रुपए उससे कमाए हैं। उसके बाद जो सारे टोटल आंसर आएंगे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, और इन सब में जो अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा वो हाईएस्ट अमाउंट हमें यहाँ लिखना है। सो सबसे पहले एप्पल 1 किलो 40 रुपये का है, तो 2,4,5,7 किलो कितने का होगा, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2,4,5,7 इंटू 40, हम ऑलरेडी इसको कर भी चुके हैं, 4,7 ज़ 28, 4,5 ज़ 20, 22, 4,4 ज़ 16, 17, 18, 4,2 ज़ 9, 9,8,2,8,0, यानी कि 98,280, ठीक है। अब उसके बाद ऑरेंजेस 1 किलो अगर 30 रुपीज़ के हैं, तो 3,004 किलो कितने के होंगे, अगेन यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लेते हैं, 3,004 को 30 से मल्टीप्लाई, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, 3,4 ज़ 12, 9, ये सो 90 रुपीज़ 90120, यानी कि 90,120 रुपीज़। कॉम्स की अगर बात करें तो 1 कॉम 3 रुपये का है, तो 22,760 कॉम कितने के होंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, 3 ज़ीरो ज़ 0, 3 6 ज़ 18, 3 7 ज़ 21, 22, 3 2 ज़ 6 7 8 और 3 2 ज़ 6, तो ये हो गया 68,280 रुपीज़ के। अब टूथब्रश की बात करते हैं, एक टूथब्रश 10 रुपीज़ का है, तो 25,367 रुपी, टूथब्रश कितने के होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि क्या होगा 253,670, 2,53,670 रुपीज़ के इसने टूथब्रश बेचे। और पेंसिल 1 रुपये की एक है, तो 38,530 पेंसिल्स कितने की होंगी, इतने ही रुपीज़ की, 38,530 रुपीज़ की ही। नोटबुक, उसने एक नोटबुक 6 रुपीज़ की सेल की है, तो 40,002 नोटबुक्स वो कितने में सेल करेगा, 6 से मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ 12, 6 2 ज़ 12, 0 0, 6 4 ज़ 24, पीछे से कोमा लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद फिर 2, आंसर होगा 2,40,012 रुपीज़ में उसने टोटल नोटबुक सेल करी हैं। लास्ट में है सॉप केक्स, सॉप केक्स अगर हम ध्यान दें तो एक सॉप केक कितने का है, 8 रुपीज़ का, तो 20,005 सॉप केक्स कितने में होंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 8 ज़ 40, कोमा लगाइए लास्ट के 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद, तो 1,60,040 रुपीज़ के उसने क्या बेचे हैं, सोप केक्स। सी बहुत ही सिंपल है कोस्ट निकालना, 1 रुपये की जो भी चीज़ गिवन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि आप नोटबुक लेने गए हो मार्केट में, एक नोटबुक आपको 10 रुपये की मिली, तो आपको 12 नोटबुक्स कितने की मिलेंगी, 120 रुपीज़ की। क्या किया आपने, कोस्ट को किससे मल्टीप्लाई किया, जितनी नोटबुक आपको चाहिए थी, तो 1 किलो 40 का है, तो इतने किलो के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, ठीक है, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब लगाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए अब हम काउंट करते हैं कि डिजिट्स कितनी कितनी है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 5 डिजिट नंबर्स, 1 2 3 4 5 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6,
सिक्स डिजिट। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे बड़ा आएगा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। अब देखिए 5 डिजिट से तो 6 डिजिट बड़ी है, अब 6 डिजिट को कंपेयर कीजिए, 2, 2 और 1, तो 1 छोटा है, 1 को हटा दीजिए। अब 2,53,670 और 2,40,012 में से कंपेयर करना है। मैं आप यहाँ पे क्लियर क्लियरली लिख देती हूँ आपके लिए नंबर। 5 डिजिट वालों को तो छोड़ दीजिए, 6 डिजिट की बात करते हैं। 6 डिजिट का पहला नंबर कंपेयर किया, 2, 2 और 1, तो 1 छोटा है, 1 को भी हटा दीजिए क्योंकि हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है। अब देखिए 2 और 2 यहाँ सेम है, इससे नेक्स्ट डिजिट पे मूव करते हैं, 5 और 4। 5 बड़ा है, सबसे बड़ी डिजिट क्या हो गई ये, तो 25,36,70, 2,53,670 सबसे बड़ी डिजिट। उसके बाद आएगी ये 2,40,012, उसके बाद आएगी 6 डिजिट नंबर ये 1,60,040, उसके बाद अब ये 5 डिजिट जो है 4, इनको कंपेयर करना है। सी 9,9,9,9,6,3, सबसे बड़ी 9 वाली है। अब 9 में से कंपेयर करते हैं, सेकंड डिजिट 8 और 0, 8 बड़ी है तो ये हो गई इनमें से सबसे बड़ी, तो इनमें से सबसे बड़ी हो गई 9,8,2,8,0, राइट। इसके बाद आ गई 9,0 वाली, 9,0,1,2,0, इसके बाद आ गई 6 और 3 में से 6 बड़ा है, 6,8,2,8,0, उसके बाद एंड में आ गई 3,8,5,3,0, ये लगा दिया हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब लास्ट हमसे ये पूछा था कि इसमें से हाईएस्ट अमाउंट किसको बेचने पे मिला है, हाईएस्ट अमाउंट एक तो है क्या, हाईएस्ट अमाउंट यानी कि सबसे बड़ा अमाउंट है हमारा 2,53,670, तो यहाँ चेक कीजिए कि ये किसको बेचने पे मिला है, टूथब्रश बेचने पे। तो हाईएस्ट अमाउंट कहाँ से मिला है, फ्रॉम टूथब्रशेस। तो यहीं पे क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, इसमें यही पार्ट्स थे, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा बिकॉज इट वॉज वेरी लेंदी। सो ये अमाउंट निकालना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और फिर हाईएस्ट अमाउंट बताना है, और जो कि टूथब्रश का है।